स्वागत है आपका IBN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। औद्योगिक थाना क्षेत्र के गर्ग एस्टेट में किराए के मकान में रहने वाले दो युवक सोमवार रात मकान के सामने से निकल रही बिजली लाइन के करंट की चपेट में आ गए। एक को करंट लगा तो दूसरा बचाने के लिए पहुंचा तो उसे भी करंट लग गया। दोनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, दूसरे युवक को इलाज के लिए भर्ती किया। दोनों युवक रीवा जिले के निवासी हैं और देवास में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। औद्योगिक थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया है। जानकारी के अनुसार रीवा जिले के रहने वाले सचिन उर्फ गुड्डू पिता इंद्र बहादुर उम्र 26 वर्ष और अजय पिता रमेश सिंह उम्र 22 वर्ष AB रोड पर स्थित गर्ग एस्टेट में किराए के मकान में रहते थे। दोनों निजी कंपनी में काम करते थे और दोनों रिश्ते में भाई हैं। सोमवार रात को जब सचिन मकान के ऊपर हिस्से में गैलरी में खड़ा था, मोबाइल पर बात करने के दौरान सचिन का हाथ बिजली लाइन की चपेट में आ गया और उसे करंट लग गया। सचिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अजय दौड़ा और सचिन को बचवाने के चलते उसे भी करंट लग गया। करंट लगने से सचिन की मौके पर ही मौत हो गई और वो गैलरी की दीवार पर काफी देर तक लटका रहा। अजय को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला है कहां से? जी हां, अभी दो व्यक्तियों को लाया गया है जिसमें से एक का नाम अजय सिंह है और दूसरे का नाम है सचिन। तो जो सचिन व्यक्ति है इसकी तो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, इसको मृतावस्था में लाया गया था। और जो अजय सिंह है ये अभी लगभग 22 साल की उम्र है इसकी और इसको हाथ में थोड़ा सा जला है और क्या है, चोट लगी है तो उस हिसाब से उसको लाया गया था। तो उसको हम भर्ती कर लिया है और प्राइमरी ट्रीटमेंट का कमरे कर दिया है। धक्के लगी कैसे, क्या हुआ था ये? शायद कुछ इलेक्ट्रिक से हुआ है इनको, हमें से कुछ हुआ है शायद, एक्जैक्ट तो हमें नहीं मालूम लेकिन उसको कुछ इलेक्ट्रिक करंट लगा है। आपका पूरा नाम सर? मैं डॉक्टर अरुण बालवी। अरुण आपका? शुभम वर्मा नाम। कहाँ से लेके आए आप? गर्ग स्टेट। क्या हादसा हुआ था? ने तार टच कर लिया था। कैसे, क्या? ऊपर तीसरी मंजिल पे थे तो कहीं मस्ती कर रहे थे। हाँ, तार टच हो गया। कौन सी लाइन थी वो? 33 के भी 11 के भी 11 के भी। फिर बस वहीं रह गए। क्या नाम है इनका? सचिन। आपको किसने सूचना करी, कैसे पहुँचे आप और कैसे लाए ये बताओ। हमारे को NPB से सूचना आई थी। हाँ, NPB में नौकरी हमारी। हाँ, बस जैसे ही सूचना आई, हाँ, वहाँ से हम निकले। हाँ, लाइट वाइट सब बंद कराई। हाँ, इसको नीचे उतारा। हाँ, तो हाँ झूल रहा था। हाँ, घायल था एक लड़का, उसका नाम तो पता है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।